देखिए, बहुत सारी हमारे परिवार की कुछ मांगे हैं, जिनमें सबसे प्रमुख मांग है कि बच्ची को सरकारी नौकरी दी जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, परिवार को आर्थिक रूप आर्थिक सहायता के रूप में करोड़ की मुआवजा राशि दी जाए। और हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, परिवार का कहना है कि जो संबंधित SHO है, संबंधित जो SHO है वो आरोपियों से कहीं ना कहीं संबंधित रखता है, तो उसको सस्पेंड किया जाए। बच्ची को किसी भी प्रकार की इस घटना की वजह से कोई गंभीर मेडिकल इंजरी होती है तो उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है सरकार वहन करे। इन सब मांगों को लेके हमारा जो है पैदल मार्च है वो कलेक्ट्री तक है। कलेक्ट्री पे हम लोग शांतिप्रिय तरीके से जाएंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और उन पर निवेदन करेंगे कि आप जो है बच्ची के साथ न्याय करें। देखिए, हमारी बहुत हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, बेटी के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था, इसके साथ साथ 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा, बच्ची के परिवार को और बच्ची को जो है सुरक्षा दी जाए, इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की अगर गंभीर बीमारी होती है या कोई मेडिकल की आवश्यकता होती है तो सरकार पूरा जो है खर्चा जो है सरकार वहन करे, और बच्ची के जो आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए। इन सब चीज़ों को लेके, इन सब मांगों को लेके हमारा जो है पैदल मार्च है और हम सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। देखिए, अभी हम सब लोग जाएंगे, हमारी जो भी कमेटी के मुख्य लोग हैं वो 15 से 20 लोग हैं जो कलेक्टर साहब से मिलेंगे, बाकी हमारे पूरे लोग जो है वहां तक पहुंचेंगे। देखिए, अभी कलेक्टर साहब से हम लोग बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद क्या निर्णय आता है, हमारी मांगे मानी जाती है नहीं मानी जाती है, अगर मानी जाती है तो बिल्कुल हम कहेंगे कि ये चीज आपको 5 दिन पहले मान लेनी चाहिए थी, धरने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में न्याय मांगने के लिए भी रोडों पे आना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है। अगर कलेक्टर साहब हमारी बातों से सहमत नहीं होता है, हमारी मांगों पे सहमति नहीं बनती है तो हमारा धरना जारी रहेगा। अभी 15 लोगों की कमेटी हम लोग अंदर लेके जाएंगे, हम सब बुला रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे।